जय जिनेंद्र, उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन आप सबके बीच फिर एक नए धर्म के आइडिया के साथ। आज का हमारा गेम है आओ जाने हमारे तीर्थंकर को। इन गेम को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही होता है कि खेल खेल के माध्यम से हम धर्म ज्ञान को अर्जित करें। तो आज के इस गेम में हम सीखेंगे 24 तीर्थंकरों की जानकारियाँ। आप इस गेम को पाठशाला में भी करा सकते हैं। बच्चों को आजकल नए नए आइडिया चाहिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। उन्हें कुछ नई स्टाइल से, कुछ नए तरीके से अगर लर्न कराया जाए तो बहुत जल्दी वो लर्न कर लेते हैं। तो हम उन्हें इस तरह के गेम के माध्यम से कुछ सिखा सकते हैं। आज उन्हें हम 24 तीर्थंकरों की जानकारियां दे सकते हैं। जैसे यहाँ दो बाउल रखे हैं जो आपने देख रहे हैं, तो एक में मैंने 24 तीर्थंकर के नाम रखे हैं और एक में 24 तीर्थंकरों से संबंधित जानकारियां इसके अंदर है। तो होस्ट को इस गेम के लिए क्या तैयारी करनी है वो मैं बताती हूँ। एक बाउल में आप 24 तीर्थंकर के नाम की चिट बना के डाल दीजिए और एक बॉल में आप 24 तीर्थंकर से संबंधित जानकारियां, जैसे 24 तीर्थंकरों के माता पिता के नाम, 24 तीर्थंकरों ने कहां से मोक्ष की प्राप्ति की, 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक की तिथियां, 24 तीर्थंकरों के लांछन चिन्ह आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस बाउल में चिट बना के डाल सकते हैं। अब इस गेम को आपने ये तो कर दिया, अब इसे किस प्रकार से करवाना है खेल खेल, ताकि हमें आनंद भी आए और हम ये कुछ जान भी जाए। तो एक मेंबर को आप आगे बुलाएंगे और उनसे कहेंगे इन 24 तीर्थंकरों में से आप सिर्फ दो ही चिट बाहर निकालें। दो ही चिट को बाहर निकालना है उन्हें और उन दो चिट में से जो जानकारियां उनकी आएगी वही उन्हें दो ही तीर्थंकरों को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से दो चिट सेलेक्ट की है। देखिए इसमें पहले क्या आएगा, अजितनाथ भगवान आए हैं। एक चिट में अजितनाथ भगवान आए हैं, दूसरी चिट में क्या आया है, आदिनाथ भगवान। अब क्या होगा, जो खेलने आए हैं उन्होंने दो तीर्थंकर को सेलेक्ट किया है यहाँ, अजितनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान को, अजितनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान उन्होंने दो चिट यहाँ से निकाली है इस बाउल से, जो 24 तीर्थंकरों के बाउल थे उसमें से उन्हें दो चिट सेलेक्ट करनी होगी। फिर इसमें से एक आप समय निश्चित कर ले, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, जितने मेंबर्स है उसके अनुसार आप अपने टाइम को रख सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा मेंबर्स है तो 30 सेकेंड दे दें, और कम मेंबर्स में अगर आप ये गेम करा रहे हैं तो 1 मिनट दे दें। बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो आप 1 मिनट का समय दीजिए। अब क्या होगा, 1 मिनट के समय तक इस बाउल में बहुत सारी जानकारियां होस्ट को डालनी होगी, उसके अनुसार उन्हें ये चिट खोलनी होगी। आप देखते हैं, और बच्चों को ये पता होना पड़ेगा कि कौन से भगवान का चिन्ह क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो देखिए इसमें क्या आया है, मरु देवी अजितनाथ भगवान की माता का नाम तो नहीं है, आदिनाथ भगवान की माता का नाम है। यस, तो ये एक चिट हो गई यहाँ पे आदिनाथ भगवान की माता के पास। और अब क्या आया, लाल, क्या लाल वर्ण अजितनाथ भगवान का लाल वर्ण था या आदिनाथ भगवान का, नहीं दोनों ही स्वर्ण वर्ण के थे, तो ये चिट आपकी हो जाएगी, काउंट नहीं आएगी। अब देखिए इसमें तीसरा क्या आया है, चैत्र शुक्ल तेरस जन्म कल्याणक। चैत्र शुक्ल तेरस कल्याणक तो महावीर भगवान का है, तो अजितनाथ भगवान का भी नहीं है और आदिनाथ भगवान का भी नहीं है, तो ये चिट भी काम नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट चिट निकालेंगे, माघ कृष्ण चतुर्दशी निर्वाण कल्याणक। माघ कृष्ण चतुर्दशी निर्वाण कल्याणक तो आदिनाथ भगवान का है, आदिनाथ भगवान का ये निर्वाण कल्याणक है माघ कृष्ण चतुर्दशी। ये देखिए इसमें क्या होगा,
जब आप खिला रहे हैं तो उससे पहले ही आप उन्हें कह दें कि 24 तीर्थंकरों की कुछ जानकारियां आप अवश्य अपने पास रखें, तभी उन्हें पता होगा। अगर उन्हें ये तिथि नहीं मालूम तो वो कुछ भी इधर उधर रख सकते हैं, तो उनका मिस्टेक हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए उन्हें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाभि राय, अरे वाह, नाभि राय आदिनाथ भगवान के पिता हैं, तो ये भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी, ये भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। अब आया मरुदेवी दो बार आ गया इस चिट में, शायद बाय मिस्टेक से, तो मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ। देखिए नेक्स्ट चिट में क्या, कैलाश पर्वत, अरे वाह क्या बात है, तो आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, ये पता होना चाहिए जो खेल रहे उन्हें, तभी वो सही चिट को सही जगह पे रख सकते। अगर वो कैलाश पर्वत को से कौन मोक्ष गए अजितनाथ भगवान के पास रख देते तो उनकी ये मिस्टेक हो जाएगा, ये उनके काउंट में नहीं आएगा। तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैलाश पर्वत से कौन मोक्ष गए, तो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। तो सपोज यहाँ पे उनका एक मिनट खत्म होता है, अब उन्हें उनके ये नंबर्स काउंट होंगे कि उन्होंने कितनी चीज़ें सही बोली है। नाभि राय उनके पिता थे, माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किया, कैलाश पर्वत से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, मरु देवी उनकी माता का नाम था आदिनाथ भगवान की, तो उनकी चार चार जानकारियां सही हुई, तो उनके नाम के आगे आप चार पॉइंट रख सकते हैं। और अजितनाथ भगवान का अजितनाथ भगवान की उनकी कोई चिट बाहर अभी तक नहीं आई थी, एक मिनट का समय उनका समाप्त हो गया था। तो इस तरह से आप ये गेम कराते कराते, देखिए बच्चे भी अगर खेलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, और आप किसी को भी करा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ पता चलेगी कि मरु देवी आदिनाथ भगवान की माता थी, कैलाश पर्वत से वो मोक्ष गए थे, माघ चतुर्दशी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान को निर्वाण को प्राप्त किया था, वगैरह वगैरह। इसी तरह अजितनाथ भगवान की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये उन्हें पता होना चाहिए। आप अगर बड़ों में ये गेम करा रही हैं, यंगस्टर में ये गेम करा रहे हैं, तो एक दिन पहले आप सभी से कह दें कि 24 तीर्थंकरों की जानकारियाँ आप लेकर आए, तो इस तरह से कुछ उन्हें याद रहेगा और इस तरह से गेम खेलेंगे तो उन्हें काफ़ी कुछ और लर्न हो जाएगा, और खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। उम्मीद करती हूँ आपको ये गेम हर गेम की तरह बेहद पसंद आएगा। मिलती हूँ फिर नए गेम में नए आइडिया के साथ। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद, जय जिनेंद्र।